चलो अब वेव की बात करते हैं चलो वेव की बात करते हैं अब ध्यान से सुनो अब ध्यान से सुनो देखो जब मैं वेव की बात करता हूं तो वेव इज नथिंग बट अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अब मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर में मीडियम पार्टिकल ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा ये एनर्जी एंड मोमेंटम को ट्रांसफर करता है वेव एक मोड ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर है इन व्हिच मीडियम पार्टिकल डज नॉट एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर होते हैं इसमें एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर होते हैं लेकिन मीडियम पार्टिकल अपने लोकेशन को छोड़ के नहीं जाता मीडियम पार्टिकल अपने लोकेशन को छोड़ के नहीं जाता इसमें दो तरह के वेब होते हैं ट्रांसवर्स वेब होता है ट्रांसवर्स वेब का मतलब है पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू देव यह परुलर लिखना था परपेंडिकुलर टू देव कैसे पर आसिलेट करता पर... है पार्टिकल ऑसिलेट मतलब डिस्टर्बेंस परपेंडिकुलर टू द देव मतलब पार्टिकल इधर ऑसिलेट करता है और बेब आगे जाता है परपेंडिकुलर मतलब पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और बेब आगे जा रहा है पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है आगे जा रहा है इसको कहते हैं आप बेटा ट्रांसवर्स वेव ठीक है भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है जैसे इसका एग्जाम्पल है साउंड वेव इसमें पार्टिकल आगे चलता है आगे पीछे ऑसिलेट होता है और बेब भी इसमें आगे ही जाता है है ना पैरल टू द बेब उसके बाद हम एक डिफाइन करते हैं मैकेनिकल वेव जैसे साउंड मैकेनिकल वेव है इसको मीडियम चाहिए है ना साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव ये मैकेनिकल वेव है और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव जैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम डज नॉट रिक्वायर्ड है ना तो इसको मीडियम चाहिए ही नहीं सर इसको मीडियम चाहिए लेकिन ये मीडियम पार्टिकल ट्रांसफर नहीं करता है है ना तो मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव समझ गए अब सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन जो होता है वो होता है एक्स प्लस बी टी के फॉर्मेट में अब इस एक्स प्लस बीटी के फॉर्मेट में इतना याद रखना कई बार यहां पे ऐसे दे दे कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी टी का होल स्क्वायर तो ये चलेगा लेकिन अगर फंक्शन वेव इक्वेशन में ये दे दे कि f एफ एक्स स्क्वायर प्लस बीटी का होल स्क्वायर मतलब ये नहीं चलेगा एक्स प्लस बी टी के फॉर्मेट में होना चाहिए वेव इक्वेशन किसके फॉर्मेट में होना चाहिए एक्स प्लस बीटी के फॉर्मेट में होना चाहिए अब मान लो ये वेक वेव इक्वेशन मैंने लिखा है y बराबर ए साइन ओमेगा प्लस केक्स प्लस वाई अब ये देख के तुम बता सकते हो ये ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन है कि लॉन्गिट्यूडनल है देख के बता सकते हो क्या देख के बता सकते हो कि ये ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की इक्वेशन है बताओ क्या तुम देख के बता सकते हो ये ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन है कि लॉन्गिट्यूडल वेव की इक्वेशन हां ये ट्रांसवर्स वेव है ट्रांसवर्स वेव है कैसे पता चला ये बेटा कुछ इस तरीके से पता चला कि यहां पे ये पार्टिकल का पोजीशन है किसी टी टाइम पे किसी एक्स वाले पार्टिकल और वेव जो जा रहा होता है ना उसको ये रिप्रेजेंट करता है मतलब एक्स में वेव जा रहा है डिस्टर्बेंस एक्स में जा रहा और पार्टिकल वाई में ट्रांसफर हुआ तो ये ट्रांसफर्स वेव है अगर तुम क्वेश्चन ऐसा लिखो एक्स बराबर ऐसा लिखा एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस फाइव अगर ऐसा लिख दे तो ये पार्टिकल की पोजीशन है किसी x1 पे डिस्टरबेंस की पोजीशन है ये तुम्हारा हो जाएगा लॉन्ग ट्यूबिनल ये हो जाएगा लॉन्गी ट्यूबिनल जहां पे ओमेगा होता है टू बाई बेटी जहां पर ओमेगा होता है टू बाई बेटी ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और बेटा के होता है टू पाई बाई लेमडा होता है टू पाई बाई लेमडा इस y को डबल डिफ्रेंसियन करोगे

बिल्कुल सही है अच्छा इसमें वेव की वेलोसिटी कितनी होती है चलो यहां लिख लेते हैं वेव की वेलोसिटी कितनी होती है ये जेई मेन 2021 का सवाल एक बार कर लो बीच ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ ट्रैवलिंग वेव कौन सा यहां पे इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा इक्वेशन यहां पे ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग वेव बताओ कौन सा इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो देखो e का पावर माइनस कर दिया t कर दिया तो नहीं होगा a साइन देखो के, के फॉर्मेट में ये सही है e का पावर ओमेगा टी अगर ये, देखो, x कर दिया a ट्रेवलिंग वेब हो जाता वाई टू e का पावर एक्स प्लस बी टी ये ट्रेवलिंग वेब हो जाता ये ट्रेवलिंग वेब है ट्रेवलिंग वेब हमेशा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बीटी में होता है लेकिन ये ट्रेवलिंग वेब नहीं है क्योंकि e का पावर x और cos के अंदर t ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है ट्रैवलिंग वेव कौन सा होगा ट्रैवलिंग वेव बेटा दूसरा होगा हाँ या ना ट्रैवलिंग वेव कौन सा होगा बेटा दूसरा होगा दूसरी बात स्पीड ऑफ वेव जो होती है v बराबर होता है ओमेगा बाई के λ बेटे λ f भी लिख सकते हैं तो स्पीड ऑफ वेव है स्पीड ऑफ वेव है वो होता है v ω k लेमडा वाई टू या इज इक्वल टू लेमडा एफ आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द पार्टिकल होगा जब वाई को डिफ्रेंसिएट करोगे एमेगा कॉस ओमेगा वो एमेगा होती है, है। यहां पे एक रिलेशन आता है पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू ए के वेलोसिटी ऑफ वेव याद रखना पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी नीट में कई बार सवाल पूछे हैं पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू ए के वेलोसिटी ऑफ वेव होता है ए के वेलोसिटी ऑफ वेव पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू ए वेलोसिटी ऑफ़ वेव और पार्टिकल की वेलोसिटी बराबर माइनस ऑफ़ वेव का स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस माइनस वेलोसिटी ऑफ़ वेव इनटू स्लोप ये दो रिलेशन है जो आपको वाई को टाइम के साथ और एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करने पर आते हैं ये चीज आपको याद रखना है ये चीज क्या करना है आपको बेटा याद रखना है क्लियर है ठीक है, ओके ये आपको क्या करना है याद रखना है अब यहां पे कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं कैसे सवाल पूछते हैं कि मान लो यहां पे बना दिया अपन ने कोई वेव, को। और आपसे बोला कि ये वेव ना निगेटिव एक्सेक्सिस में जा रही है अगर ये वेव निगेटिव एक्सेक्सिस में जा रही तो यहां पर जो पार्टिकल है ए यहां पर जो पार्टिकल है बी और यहां पर जो पार्टिकल है सी गीत। वो किधर जा रहा ऊपर नीचे ट्रांसवर्स वेब है भाई गी। तो ऊपर नीचे पार्टिकल जाएगा वेब पीछे जाएगा तो ए पर बी पर और सी पे पार्टिकल कहां जा रहा अप 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 या या डाउन डाउन है यह बताओ रिकॉर्डेड लेक्चर है बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर है भाई बीजेम हाईलाइट करे रिकॉर्डेड लेक्चर है हाँ भाई रिकॉर्डेड लेक्चर है और तुमको क्या चाहिए लाइव चाहिए था क्या गड़बड़ हो गया अगले साल करूंगा लाइव अगले साल इस साल नहीं हो पाएगा सॉरी अगले साल लाइव आएगा इस साल बहुत मुश्किल है आ, इस साल तो बेटा रिकॉर्डेड से काम चला लो अगले साल पक्का प्रॉमिस एकदम पिंकी प्रॉमिस अगले साल एकदम लाइव इस साल रिकॉर्डेड बेटा इस साल रिकॉर्डेड से काम चला लो अगले साल पूरा लाइव होगा हाँ पूरा पूरा पूरी इस बार रिकॉर्डेड अगले साल लाइव ठीक है बेटा जूस पियोगे लो बेटा जूस पियो रिकॉर्डेड में है ना आओ चलो भाई कौन बताएगा जूस भी खत्म हो गया यार कौन बताएगा ए बी सी कहां जा रहा है ऊपर नीचे आगे पीछे कहां जा रहा है कौन बताएगा कौन बताएगा सुनो क्या मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए क्या मुझे अरे भाई तू कहां जा रहा है रुक जा क्या मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए या मेरे पास कोई और तरीका है मेरे पास एक जोरदार तरीका है क्या कुछ मत करो एक बात बताओ वे पीछे जा रहा ना तो ये वेव थोड़ी देर बाद कहां दिखाई देगा पीछे मतलब अभी ये वेव यहां है थोड़ी देर बाद कहां दिखाई देगा दिखाई देगा ऐसे दिखाई देगा हाँ तो ऐसे दिखाई देगा ना इसके बाद ऐसे दिखाई देगा अब बताओ अगर वेव ये हो गया इसका मतलब ये है कि ए पार्टिकल अब यहां आएगा मतलब ए ऊपर गया होगा बी यहां था अब यहां आ गया होगा पार्टिकल तो इसी वेव पर रहेगा वेव से तो पार्टिकल बन रहा अब सी पहले कहां था सी पहले यहां था अब कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो ये ए अप बी डाउन और सी अप कितने लोगों को समझ आया बताओ कितने लोगों को यह समझ आया क्या आपका भी जवाब यही था क्या आपका भी जवाब यही था बेटा क्या आपका भी जवाब यही था क्या आपका भी जवाब यही था क्लियर हो गया आओ जेई मेन 2023 का फटाफट एक सवाल करो ताकि एकदम झमाझम तुमको मजा आ जाए और यहां से मोक्ष की अनुभूति हो जाए क्या हो जाए भैया मोक्ष की अनुभूति हो जाए क्लियर है मोक्ष की अनुभूति हो जाए चलिए भाई बताइए प्लीज सवाल देखिए सवाल देखिए जेई मेन 2023 का सवाल है देखिए जेई मेन 2023 का सवाल है देखिए जेई मेन 2023 का सवाल है देखिए क्या सवाल है अ ट्रेवलिंग वेव डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन इतना क्या दिखा है ओके okay, ठीक है समझ गया वेलोसिटी ऑफ द वेवीज सुनो ध्यान से

पहली बात तो ये थर्ड आंसर है दूसरी बात तो ये कि जेई मेन का सवाल है और तीसरी बात तो ये कि बेब पॉजिटिव एक्स में जा रहा अगर इसमें यह भी पूछता कि बेव कहां जा रहा तो कैसे बताते वेव इज मूविंग इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस वेव कहां जा रहा भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा वेव कहां जा रहा है वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है क्या यह बात आपको समझ में आया क्या आपको यह बात समझ में आया चलिए साहब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए देखिए फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में रिलेशन याद रखिएगा यहां पर यहां पर टू पाई बटा डेल्टा फाइवडा बटा डेल्टा एक्स टी बराबर डेल्टा टी जहां पर डेल्टा फाइव आपका फेज डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है टू पाई बटा डेल्टा फाइव इज इक्वल टू तो लेमडा बटा डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा टी है आपका टाइम डिफरेंस टाइम डिफरेंस या टाइम लैग तो यह बात आप याद रखिएगा टू पाई बटा डेल्टा फाइवडा बटा डेल्टा एक्स एंड टी बटा डेल्टा टी टी बटा डेल्टा टी ये रिलेशन होता है दूसरी बात यहां पर अगर एक्स प्लस माइनस ओमेगा जैसे ओमेगा या वाई बराबर ए साइन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा या वाई बराबर ए साइन माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी है या वाई बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है इस वेव को देख के बता सकते हो कौन सा वेव कहां जा रहा हां भाई अगर दोनों का साइन सेम हो प्लस प्लस, प्लस तो वेव जाएगा निगेटिव एक्सिस में हाँ यहां पे अगर जेड होता तो जेड में जाता ये माइनस और ये भी माइनस तो निगेटिव एक्सिस में वेव जाएगा अगर ये माइनस ये प्लस या ये प्लस ये माइनस तो दोनों ही केस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेव जाएगा वेव इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस वेव इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस हा या ना हाँ या ना याना हाँ या ना क्लियर है दूसरी बात स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ अस्ट्रिंग स्ट्रिंग में जब ट्रांसवर्स वेव की स्पीड देखते हैं आप ये आपका बेटा स्ट्रिंग है ठीक है और यहां पे एक ट्रांसवर्स पल्स आपने जनरेट किया तो ये ट्रांसवर्स पल्स ऊपर चल के जाएगा इसकी जो वेलोसिटी होती है इसकी जो वेलोसिटी होती है ध्यान से सुनिएगा इसकी जो वेलोसिटी होती है ये कौन सा वेव क्रिएट किया सबसे पहले ये बताओ तो ये जो वेव क्रिएट किया है ये है आपका ट्रांसवर्स वेव कौन सा वेव है ट्रांसवर्स वेव तो ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होगी स्ट्रिंग में वो होगी आपकी रूट अंडर टी बाई म्यू जहां पे टी क्या होता है टेंशन और म्यू है मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू रूट अंडर टी बटा म्यू को आप रो भी लिख सकते हैं तो ये भी आंसर आ सकता है सॉरी रो ए लिख लेंगे तो ये भी स्पीड आ जाएगा अच्छा टेंशन बटा एरिया आपका स्ट्रेस होता है तो वी इज इक्वल टू रूट अंडर स्ट्रेस बटा रो भी लिख सकते हैं हुक्स चचा के लॉ से स्ट्रेस को आप लिख सकते हैं गामा इंटू वेलोसिटी ये भी आ जाएगा गामा इंटू डेल्टा एल बटा रो इन टू एल ठीक है ओके सर तो आप यहां तक रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं ठीक है तो कितने फॉर्मूले हो गए ये फॉर्मूले हो गए सर अब इसमें से किसी पर भी सवाल पूछा जा सकता है जैसे तुमसे सवाल ये पूछा जा सकता है टेंशन डबल किया तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होगा रू टू टाइम्स बढ़ेगा अगर मैं यहाँ पे मोटा अगर एरिया डबल कर दूँ तो स्पीड ऑफ वेव क्या हो जाएगा एरिया को डबल करोगे तो स्पीड ऑफ वेव आधा हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेस को डबल करूंगा तो ये रिलेशन आएगा अच्छा कई बार यहाँ पे पूछते हैं कि टी टेंशन लगाने से एल लेंथ के स्ट्रिंग में डेल्टा लेंथ स्ट्रेन हुआ है तो स्पीड ऑफ वेव क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ वेव होगा बेटा गामा डेल्टा एल बटा रोएल गामा डेल्टा एल बटा रोएल ये सारी चीजें जो है ना बेटा ये है आपका ट्रांसवर्स वेव की स्पीड लेकिन अगर इसमें लॉन्ग वेव जाए तो, तो वेलोसिटी ऑफ लॉन्ग वेव होगा रूट अंडर गामा बटा यंग मॉडल इसका यंग मॉडल्स गामा मतलब इसका यंग मॉडल्स यंग मॉडलस बटा डेंसिटी याद रखिएगा जैसे साउंड वेव हो तो इस सॉलिड में जो साउंड वेव ट्रेवल करेगा इस सॉलिड में जो साउंड वेव ट्रेवल करेगा उसकी वैल्यू होगी रूट अंडर डेंसिटी है भाई, भाई स्ट्रिंग में दो तरह का वेव जा सकता है इस स्ट्रिंग में दो तरह का वेव जा सकता है एक वेव जाएगा आपका एक वेव आ जाएगा आपका

अब बताओ वेलोसिटी अंग्र रूट एक्स के प्रोपोर्शनल हो तो क्या एसिलरेशन कांस्टेंट आएगा हाँ ये तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा है तो यहां पर जो वेव चल रहा उसका हो जाएगा बेटा कांस्टेंट जो कि आएगा जी बाई टू यह भाई साहब यहां से एल स्ट्रिंग में इस वेव को जाने में कितना टाइम लगेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर टू जी नहीं फोर एलवाई जी इज इक्वल टू रूट अंडर फोर एलवाई जी ये टोटल टाइम लगेगा ट्रांसवर्स वेब को बॉटम से टॉप तक जाने में क्लियर है क्या? क्या-क्या तो क्या -क्या बता दिया आपको? आपको भाई साहब, एक में मैंने आपको, transverse wave का speed बताया, longitudinal wave का speed बताया, बताया, से एक्स डिस्टेंस पर आपको वेलोसिटी बता दी का एक्सिलेशन बता दिया जो टाइम होता है वो रूट एल के प्रोपोर्शनल होता है कितना टाइम लगेगा वो बता दिया बताइए मैंने आपको टाइम भी तो बता दिया साथ साथ में टाइम नहीं बताया क्या टाइम भी तो बता दिया बेटा क्लियर है नेक्स्ट देखते हैं स्टील वायर विथ सेवन इंटू टेन टू दर माइनस थ्री एंड अंडर टेंशन सेवेंटी न्यूटन देन स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स अब देखो ये सवाल किसका पूछा हुआ है जेई मेन दो हजार तेईस का जेई मेन दो हजार तेईस का सवाल है दो हजार 2023 का सवाल है और कैसा सवाल है एकदम सा क्या नीट में ऐसा सवाल नहीं आएंगे दौर क्या आएंगे V is equal to root under t by mu. भाई साहब टेंशन थ्री डिवाइडेड बाई सात सात से कटेगा दस रूट अंडर दस का पावर चार मतलब सौ सौ मीटर पर से कितने लोगों का जवाब है बी कितने लोगों का जवाब है वी नेक्स्ट <coughs> ये देखो ये तो आप समझ गए v इज इक्वल टू लेम डाइफ अच्छा जब भी कोई देखो वेव इसमें जब ऊपर ट्रेवल करके जाएगा इस भी समझना इंपॉर्टेंट है जब भी कोई वेव स्ट्रिंग में ऊपर ट्रेवल करके जाएगा जब भी कोई वेव स्ट्रिंग में ऊपर ट्रेवल करके जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या नहीं फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता तो इस वेव का फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा जब भी वेव नीचे से ऊपर ट्रेवल करके जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा फ्रीक्वेंसी तो हम जानते हैं v बराबर होता है लेमडाइव अगर फ्रीक्वेंसी तुम्हारा कांस्टेंट रह गया तो मैं कह सकता हूं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा हाँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी रूट टेंशन के प्रोपोर्शनल होता है तो यहां पर जो वेव लेंथ आएगा वो रूट अंडर टेंशन के प्रोपोर्शनल होगा इसमें कई बार एक सवाल पूछते हैं कि मान लो ये वायर है इसका मास है एम लेंथ है एल यहां पे एक स्मॉल एम का वायर बना लिया तो यहां पर वेब लेंथ का रेशियो क्या होगा ये कितना आसान है यहां पर वेव लेंथ इसके टेंशन के प्रपोशन होगा यहां पर टेंशन आएगा सिर्फ एम की वजह से तो लेमडा वन बाई लेमडा टू इज इक्वल टू एम वन बटा एम वन प्लस एम टू ये नीट का सवाल है और कितने लोगों को याद आ गया कि ये नीट का सवाल है यहां पर लेमडा और यहां पर लेमडा टू का रेशियो आ जाएगा क्या पूरी पीएचडी हो गई आपकी इस पर क्या पूरी पीएचडी हो गई आपकी इस पर बताओ क्या पूरी पीएचडी हो गई क्या यह नीट में पूछा हुआ सवाल है हाँ या ना में जवाब दीजिए क्या यह नीट में पूछा हुआ सवाल है हाँ या ना में जवाब दीजिए चलिए अब साउंड वेव की बात करें देखो साउंड वेव जो बहुत तरह के होते हैं मतलब इन्फ्रासोनिक वेव ऑडिवल साउंड वेव एंड अल्ट्रासोनिक वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी फ्रिक्वेंसी याद रखो अगर 20 हट से नीचे फ्रिक्वेंसी है तो इंफ्रासोनिक है 20 हट से 20 किलो हट्स के बीच है तो ऑडिवल है और 20 किलो हट से ज़्यादा है

साउंड की वेलोसिटी का अगर आप देखेंगे रिलेशन तो सबसे ज्यादा साउंड की वेलोसिटी होता है सॉलिड में फिर होता है लिक्विड में फिर होता है गैस में वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ साउंड मतलब वेव <coughs> की velocity. अगर आप सॉलिड में देखते हैं तो अभी तो देखा गामा इन सॉलिड साउंड इन सॉलिड साउंड इन सॉलिड गामा बहरो लेकिन यही अगर आप गैस में देखोगे इन गैस अब गैस में बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस होता है रूट अंडर बीटा बाइरो मतलब बल्क मोडलस गैस की डेंसिटी बल्क मोडलस बटा गैस की डेंसिटी अब बल्क मोडलस किसी भी गैस का क्या थर्मोडाइनिकेव हाँ। तो ट्रेवल करता है वो आइसोथर्मल प्रोसेसर ट्रेवल करता है कैसे आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बीटा बराबर पी होता है आज ही पढ़ा है भाई साहब अभी छह सात चैप्टर सॉलिड में पढ़ा है आपने अभी छह सात चैप्टर पहले सॉलिड में पढ़ा आपने क्या कि बीटा बराबर पी होता है तो यहां से वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगा रूट अंडर पी बाई रो रूट अंडर पी बाई रो लेकिन ये जब कैलकुलेट किया गया तो इसमें एरर आया प्रैक्टिकली जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है और न्यूटन साहब ने जो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाला क्या वो मैच कर गया नहीं वो मैच नहीं किया फिर यहां पे लैपलास साहब आते हैं कौन आते हैं लैपलास करेक्शन लेप्लास साहब आते कह, और कहते हैं कि एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ साउंड जो ट्रेवल करता है वो एक आइडियाबेटिक प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है आइडियाबेटिक प्रोसेस है और आइडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का आदान प्रदान नहीं होता तो यहां पे बल्क मॉडल्स की वैल्यू गामा पी के बराबर होती है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस हो जाता है रूट अंडर गामा पी बाई रो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रूट अंडर गामा पी बाई रो और यहां से ये मैच कर जाता है यहां से ये क्या होता है है मैच कर जाता है। देखो पूरा लिखा है यहां पे। दीटा, दीटा पी। पी को हमने क्या मान लिया बीटा को क्या मान लिया पी ये न्यूटन साहब का प्रोसेस है लेकिन लेप्लास साहब कहते हैं कि आइडियाबेटिक है। है? प्रोसेस है लेप्लास साहब क्या कहते हैं आइडियाबेटिक प्रोसेस है लेप्लास करेक्शन अच्छा 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 यहाँ पे लिखा है ना ये न्यूटन साहब का फॉर्मूला है और ये लेप्लास साहब का फॉर्मूला दूसरी बात यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड जो आया है अगर देखोगे तो ये है गामा पी बाई रो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ साउंड का ग्राफ प्रेशर के रिस्पेक्ट में बनाऊंगा तो कैसा ग्राफ बनेगा तो रूट पी लेकिन ये ग्राफ ऐसा बनेगा क्यों क्योंकि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मान ले तो प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगा प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगा तो वेलॉसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट अगर टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट मानते हुए वी और पी का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा दूसरी बात रो को हम क्या लिख सकते हैं तो आज ही हमने पढ़ा है थर्मोडाइनमिक्स में रो को हम लिख सकते हैं पी एम बटा आर टी तो आर टी ऊपर चला जाएगा पी से पी कटेगा यह आ जाएगा रूट अंडर गामा आर टी बाई एम लो भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसेस होता है रूट अंडर गामा आर टी एम ये का मॉलिकुलर मास हो गया अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस में साउंड की वेलोसिटी प्रोपागेट करो किस में वेलॉसिटी ज्यादा तेज चलेगा हाइड्रोजन में क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास और टेम्परेचर के साथ ग्राफ देखोगे टेम्परेचर के साथ ग्राफ देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ ग्राफ कुछ ऐसा आएगा क्या या ना ऐसा आएगा क्या बताओ और भैया और बताओ भैया पर बहुत जोरदार दूसरी बात दूसरी बात ये रिलेशन में देखता हूं यहां पे मैं लिखा है कि नहीं नहीं लिखा है तो लिख दूंगा क्या 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 देखो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो ड्राई एयर में ज्यादा होता है मोइसट एयर के कंपेयर में सॉरी ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा होता है इसलिए स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो मोइस्ट एयर में ज्यादा होगा ड्राई एयर के कंपेयर में दूसरी बात दूसरी बात स्पीड ऑफ साउंड चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर होता है जीरो पॉइंट सिक्स वन टी अगर एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो स्पीड ऑफ साउंड जीरो दूसरी बात हम बात करते हैं इंटरफ्रेंस की इंटरफ्रेंस दो ऐसे वेब का सुपर पॉजिशन है इंटरफेंस दो ऐसे वेब का सुपर पॉजिशन है जिसमें एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए वन का होल स्क्स ए टू का होल स्क्वायर प्लस

रूट आई टू कॉस फाइव ये सही रिलेशन है क्या असर सही है ये बेटा जो रिलेशन यहां पे लिखा है ध्यान से सुनना ये जो रिलेशन यहां पे लिखा है ये किसी भी दो वेव का इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस है इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव अब इसमें जो दो वेव आपके हैं उन दोनों वेव की एम्पलीट्यूड अलग अलग दे दी है और उन दोनों वेव का फेज डिफरेंस फाइव है उन दोनों वेव का फेज डिफरेंस फाइव है अब यहां पे अगर इत्तिफाक से आपका फेज डिफरेंस जीरो हो जाए या टू पाई हो जाए या फोर पाई हो जाए या सिक्स पाई हो जाए या एट पाई हो जाए अगर फेज डिफरेंस जीरो टू पाई फोर पाई सिक्स पाई एट पाई हो जाए या टू एन पाई हो जाए एन इंटू टू पाई हो जाए यह फेज डिफरेंस एक रेयर फेनोमेना है यह फेज डिफरेंस क्या है एक रेयर फेनोमेना है ये एक रेयर फेनोमेना है कि फेज डिफरेंस एग्जैक्टली आपका चल रहा है कि नहीं चैट यार थोड़ा टीवी बंद हो गया चल रहा चल रहा चल रहा ये जो फेज डिफरेंस है आपका सुनो ध्यान से यह जो फेज डिफरेंस है एक्जेक्टली exactly अगर टू एन पाई के बराबर आ गया तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा तो पार्ट डिफरेंस देखना बहुत इंटेलिजेंटली समझाता हूं टू पाई सब लेमडा मतलब एन लेमडा के बराबर हो मतलब ये है या तो जीरो हो या लेमडा हो या टू लेमडा हाँ टू लेम लेमडा हो टू लेमडा हो थ्री लेमडा हो अगर ऐसा पाथ डिफरेंस हो और ऐसा फेज डिफरेंस हो तो इस कंडीशन में स्पेशल केस आने के बाद देखो देखो बच्चे कहते हैं सर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेंस नहीं समझ में आया बच्चे कहते हैं हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेंस नहीं समझ में आया ध्यान सुनो ध्यान सुनो मैं जो बताता हूँ ध्यान सुनो देखो फेज डिफरेंस थर्टी डिग्री भी हो सकता है

इंटरफेरेंस होगा उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस उसको क्या कहते हैं बेटा हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसको हम क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहां पे स्क्वायर होगा अरे यार सॉरी मैं भी पकड़ा गया हूं सॉरी 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 अगर रूट इधर आएगा तो एक स्क्वायर होगा एक स्क्वायर को सिंपल आई कहेंगे ना सॉरी सॉरी सॉरी

ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर हाँ ना सिंपल है ना ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव आएगा तो यहाँ पे अगर कॉस फाइव जीरो हो गया तो एन प्लस ए टू का होल स्क्वायर ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर एंड रूट सिंपल ए वन प्लस ए टू आएगा सॉरी सिंपल आपका क्या आ जाएगा ए वन प्लस ए टू दूसरी बात यहाँ पे आई नेट कितना जाएगा ये आई नेट कितना जाएगा तो आई नेट आ जाएगा आई ए वन मतलब रूट आई वन ए टू मतलब रूट आई टू का होल स्क्वायर इसको कहेंगे कंस्ट्रक्टिव केल में ए मैक्सिमम और आई मैक्सिमम हाँ है ना इसको कहेंगे ए मैक्सिमम और आई मैक्सिमम क्या आपको यह बात समझ में आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेंस में एम्पलीट्यूड समझ में आ गया ठीक है अगर मैं बात करूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेंस की अगर मैं बात करूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेंस की इंटर स की अगर मैं बात करूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेंस की तो बेटा ध्यान से सुनना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेंस में जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा तो वो फेज डिफरेंस आएगा आपका ऑड पाई जैसे पाई, पाई पाई, पाई पाई, एंड सो ऑन। इसको क्या लिख सकते हो टू टू एन प्लस वन इन टू पाई लिख सकते हैं क्या हाँ यहाँ पे एन की वैल्यू जीरो से शुरू होगी जीरो रखोगे पाई आएगा वन रखोगे तो वन टू प्लस वन थ्री आएगा टू रखोगे थ्री रखोगे फोर रखोगे फाइव रखोगे इस तरीके से आ जाएगा और हम जानते हैं टू पाई लेमडा होता है तो पाई को लेमडा बाई टू रख सकते हैं तो यहां से जो पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा टू एन प्लस वन पाई को रखेंगे हम लोग लेमडा बाई टू यह आएगा पाथ डिफरेंस पार्ट डिफरेंस हो जाएगा आपका लेमडा बाई टू एन को वन रखोगे तो होगा थ्री लेमडा बाई टू थ्री लेमडा बाई टू फाइव लेमडा बाई टू ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेंस हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेंस में जो मिनिमम इंटेंसिटी आएगी वो आएगी ए वन माइनस ए टू का, और होगा, I1 I2 का अब जरूरी नहीं है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा वहां पे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा अगर वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा यहां पे आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम का रेशियो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भाई क्या होगा आई माइनस आई मिनिमम का रेशियो तो आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम का रेशियो होगा अंडर होल स्क्वायर सही लिख रहा हूं क्या सही लिख रहा हूं क्या सही लिख रहा हूं क्या जल्दी बताओ तो यही तो लिखा है, देखो भाई यही तो लिखा है अच्छा अगर ए वन ए टू बराबर हो जाए अगर ए वन बराबर ए टू बराबर ए नॉट हो जाए तो एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट आएगा टू ए नॉट कॉस फाइव बाई टू यही तो वेक्टर सम का तरीके से देखेंगे अगर इंटेंसिटी बराबर हो तो कुछ नहीं करना इसका स्क्वायर कर दो का स्क्वायर नेट आईनेट का स्क्वायर आईनेट दो चार ए नॉट का स्क्वायर कितना आसानी से ये समझ में आ गया अगर दो वेव का एम्पलीट्यूड सेम हो मतलब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड बराबर हो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूट ये आ जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपका ए मैक्सिम बटा ए मिनिमम क्या होगा रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर रूट आई वन को ए वन कह सकते हैं ए वन प्लस ए टू बटा ए वन माइनस ए टू होल स्क्वायर देखो लाउडनेस <coughs> क्या होता है लाउडनेस लाउडनेस इज मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसके मेजरमेंट को ही हम क्या कहते हैं लाउडनेस कहते हैं उसकी मेजरमेंट को ही हम क्या कहते हैं लाउडनेस कहते हैं लाउडनेस लिखते हैं बेटा एल बराबर टेन लॉग आई बटा आई नॉट ऑन द बेस्ट टेन डी बी जहां पर आई नॉट की वैल्यू होती है टेन टू दावर माइनस बारह वॉट पर मीटर स्क्वायर ये इंटेंसिटी है बेटा ठीक है तो यहां पे कई बार आपको लाउडनेस देके इंटेंसिटी पूछेगा इंटेंसिटी देके उसके रेस्पॉन्ड लाउडनेस पूछेगा ये रेफरेंस इंटेंसिटी हो ये क्या होता है रेफरेंस इंटेंसिटी होता है क्या क्लियर ये बात समझ में आ गया अब जेई मेन दो का सवाल कर लीजिए मजा आ जाएगा आइए जेई मेन दो का सवाल कर लीजिए आइए घबराना नहीं है घबराना नहीं है बताइए जेई मेन दो का सवाल कर लीजिए बताइए दो मेन 2027 का सॉरी दो का सवाल कर लीजिए क्या है सवाल टू इंटरट्यूडलटेंट वेव इज अच्छे से करना अच्छे से सो सोच समझ के करना करो. अच्छा सवाल है कैसे तो इसमें सिर्फ टेन साइन ओमेगा टी प्लस है तो Y1 तो तुम्हारा आ जाएगा टेन साइन ओमेगा टी प्लस पाई वाई थ्री तो एक इक्वेशन तो ये बन गया और वाई टू में दो इक्वेशन है कैसे फाइव साइन ओमेगा और फाइव रूट थ्री कॉस ओमेगा टी तो ये इक्वेशन जो आएगा इसका मैक्सिमा क्या बनेगा तो साइन ओमेगा ये कॉस ओमेगा यह फाइव यह फाइव रूट थ्री तो ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन बनेगा फाइव साइन ओमेगा प्लस फाइव रूट थ्री कॉस ओमेगा अब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आएगा मैक्सिमम इन दोनों का सम निकालोगे तो वो आएगा रूट अंडर एक आदमी है भाई ये तो तीन वेव हो गया एक तो ये वाई वन का एक पार्ट ये वाई टू और भाई साहब ये फाइव रूट थ्री कॉस में कोई बात नहीं करते हैं मजा आएगा ये अच्छा सवाल हो गया बेटा घबराना नहीं है ये अगर मैं रेफरेंस मानता हूं

10 कॉस सिक्सटी टेन कॉस सिक्सटी मतलब ये भी फाइव आएगा फाइव प्लस फाइव ये टोटल टेन आ गया और ये बेटा ऊपर जाएगा तो ये होगा तुम्हारा टेन साइन सिक्सटी तो टेन रूट थ्री बाई टू तो टू से टू कटेगा पांच पांच रूट थ्री पांच रूट थ्री तो दस रूट थ्री आ गया ये आ गया तुम्हारा दस रूट थ्री और ये हो गया तुम्हारा दस तो नेट रिजल्टेंट जो आएगा ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया दस का होल स्क्वायर प्लस दस रूट थ्री का होल स्क्वायर तो भाई मेरे ये होगा दस का होल स्क्वायर सौ प्लस दस रूट थ्री का होल स्क्वायर तीन सौ भाई 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 ट्वेंटी इज रिजल्टेंट एम्प्लीटूड एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज ट्वेंटी एंसर अच्छा सवाल था अच्छा सवाल था कितने लोगों का बीस जवाब आ रहा है बताओ कितने लोगों का सवाब सही आ रहा है सुन मेरा यहां पे दो वेव को जोड़ने के लिए बोला लेकिन असल में तीन वेव है कैसे देखो टेन साइनगा तो से तो सात डिग्री में फाइव आ गया ये फाइव यहां जाएगा तो फाइव रूट थ्री कॉस ओमेगा तो फाइव रूट थ्री कॉस ओमेगा में आ गया अगर तुमने ये कर लिया भाई साहब अगर तुमने ये कर लिया ध्यान से सुनो अगर तुमने ये कर लिया तो भाई सुपर पोजिशन पर तुम्हारी पीएचडी हो गई जेई मेन 2023 का बढ़िया सवाल है ये सुपर पोजिशन पर तुम्हारी पीएचडी हो गई फेजर डायग्राम तुमको अच्छे से समझ में आ गया अगर तुमने ये कर लिया तो सुपर पोजिशन थ्योरम पे तुम्हारी पीएचडी हो गई और ध्यान सुनिएगा और आपने इंटरफ्रेंस पे पीएचडी कर लिया हाँ या ना हाँ सर इजी है बहुत बढ़िया मजा आ गया नेक्स्ट देखो उंड इंटेंसिटी लेवल मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इज ट्वेंटी डीबी साउंड इंटेंसिटी लेवल फ्रॉम द सेम सोर्स बी अच्छा दस मीटर पे कितना है ट्वेंटी डीबी तो वन मीटर पे कितना होगा सुनो टेन मीटर पे लाउडनेस इतना है तो लाउडनेस एल वन बराबर लिखोगे टेन लॉग आई वन बट आई नॉट ऑन द बेस टेन डीबी और वन मीटर पे लाउडनेस लिखोगे एल टू बराबर टेन लॉग आई टू बटा आई नॉट ऑन डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करोगे करोगे कॉमन करोगेगा लॉग ए माइनस लॉग बी का कंसेप्ट यूज करो सॉल्व करो ये कई बार हमने कराया हुआ है कर लोगे क्या बेटा कर लोगे क्या बेटा नेक्स्ट स्टेशनरी वेव की डायरेक्ट हम बात करते थोड़ा सा उससे पहले देखो इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात कर ले इंटेंसिटी ऑफ वेव याद रखना एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर देखो ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो इनटू वी के प्रोपोर्शनल एफ तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है ए तुम्हारा एम्पलीट्यूड है रो डेंसिटी है मीडियम की और वी वेलोसिटी इतना याद रखना क्लियर है दूसरी बात स्टेशनरी वेव की बात करोगे बेटा तो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन हमेशा ऐसा होता है 2a sin kx cos omega ठीक है, है 2a

कि दो आंटी के बीच में हमेशा एक नोड होता है मतलब अंकल होते हैं दो आंटी के बीच में एक अंकल होंगे वो जरूरी है नहीं तो दो आंटी लड़ लेगी इसलिए दो आंटी के बीच में अंकल होते हैं ठीक है ये अंकल तुम्हारे क्या है एंटी नोड है सॉरी ये एंटी नोड है, है मतलब ये आंटी है ये आंटी देखो ये आंटी है और ये अंकल है अंकल बेटा मीन पोजिशन पर चुपचाप बैठे रहते हैं और आंटी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में ऑसोलेट करती है अब स्टेशनरी वेब की कुछ खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए स्टेशनरी वेब की कुछ खास बातें जो आपको पता होना चाहिए ऑल पार्टिकल विल बी सेम फेज बिटवीन टू नोड दो नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल होते दो एंटी नोड नहीं दो नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल होते सेम फेज में ऑसिलेट करते कैसे सारे अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे सेम पोजीशन पे सारे मीन पोजीशन को सेम टाइम पर क्रॉस करते और एक दो नोट के बीच में जो पार्टिकल होते हैं अपने एडजेसेंट नोट वाले पार्टिकल के साथ पाई फेज डिफरेंस के साथ होते हैं बट फेज डिफरेंस इज पाई बिटवीन पार्टिकल ऑफ द एडजेसेंट नोड एडजेसेंट नोट लिखना था इसमें एडजेसेंट नोट यहां पा होगा एडजेसेंट नोड मतलब मेरे कहने का मतलब यह है बेटा कि इस दो नोट के बीच में जितने पार्टिकल है और नेक्स्ट दो नोट के बीच में जितने पार्टिकल है इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का होता है पाई का इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का होता है बेटा पाई का क्लियर है क्या ये बात क्लियर है क्या ये बात ऑल पार्टिकल क्रॉसेज ऑल पार्टिकल क्रॉसेज मीन पोजिशन एट अ सेम टाइम विथ डिफरेंट वेलॉसिटी विथ डिफरेंट वेलॉसिटी डिफरेंट वेलॉसिटी क्योंकि सबकी एम्पलीट्यूड डिफरेंट है और सबका फ्रीक्वेंसी सेम है तो एम्पलीट्यूड डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी सेम है तो सबकी मैक्सिमम वेलॉसिटी अलग अलग होगी सबकी मैक्सिमम वेलोसिटी अलग अलग होगी स्टेशनरी वेब में एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता है एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता है क्लियर है क्या एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता है इंपॉर्टेंट बातें हैं देख लीजिए ध्यान से ऑल पार्टिकल हैव सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड ऑल पार्टिकल हैव सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पार्टिकल एम्पलीट्यूड इज टू ए एंटी नोट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू होता है डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लेमडा बाई कैसे कैसे ध्यान से देखो ध्यान से देखो दो अंकल बीच में डिस्टेंस कितना होगा लेमडा बाई टू दो अंकल के बीच में डिस्टेंस लेमडा बाई टू आंटी और अंकल के बीच में लिस्ट डिस्टेंस लेमडा बाई फोर क्लियर है क्या ये बात क्लियर है क्या ये बात दो आंटी के बीच में डिस्टेंस बोलो लेमडा बाई टू दो अंकल के बीच में डिस्टेंस बोलो लेमडा बाई एक अंकल एक आंटी के बीच में डिस्टेंस बोलो लेमडा बाई अंकल कौन होते हैं चुपचाप बैठे रहते हैं कोई शोर तो शराबा नहीं अंकल चुपचाप बैठे रहते हैं अंकल क्या करते हैं अंकल बैठे रहते हैं अंकल चुपचाप रहते हैं आंटी क्या करती है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में ऑसोलेट करती है उनके बाल बच्चे कहा है बीच बीच में बाल बच्चे बैठे हैं बाल बच्चे थोड़े से कम एम्पलीट्यूड में ऑसोलेट करते हैं क्लियर है ये बात क्लियर है क्या ये बात आंटी आंटी सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसलेट करती है आंटी सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसोलेट करती है कितनी एम्पलीट्यूड में ऑसलेट करती है टू ए में और अंकल चुपचाप बैठे रहते हैं बताओ अंकल और आंटी के बीच में जो पार्टिकल है अंकल और आंटी के बीच में जो पार्टिकल उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा बता दोगे ना तो भैया मजा आ जाएगा एकदम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन नोड एंड एंटी नोड नोड एंड एंटी नोड

इससे और दो अंकल के बीच में डिस्टेंस होता है दो नोट के बीच में डिस्टेंस होता है लेमडा बाई टू इसके बीच में डिस्टेंस होता है तो और यहां के बीच में डिस्टेंस क्या होगा एट। तो यहां पे रखो ये एम्पलीट्यूड बताएगा की वैल्यू टू पाई बाई लेमडा और एक्स की वैल्यू लेमडा बाई एट ये लेमडा से लेमडा कटेगा टू से एट कटेगा चार पाई बाय फोर मतलब वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू इससे कटेगा तो रूट टू ए आएगा और अब व्य बात है जीरो और टू ए के बीच आना चाहिए ना रूट टू ए आता है बाई रूट टू नहीं होगा चचा रूट टू ए होगा रूट टू ए होगा ये एम्पलीट्यूड को बताता है टू ए साइन एक्स एम्पलीट्यूड को बताता है रामलाल गंगा गजोधर गलत जवाब देता है नेक्स्ट सोनोमीटर वायर देखो सोनोमीटर वायर में अगर मैं स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करूं तो सोनोमीटर वायर इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग अब स्ट्रिंग को मैंने दोनों एंड पे फिक्स कर दिया जहां मैंने फिक्स कर दिया वहां पे कौन होंगे नोड जहां मैंने फिक्स कर दिया वहां पे क्या होगा नोड <coughs> और ये वेव कैसा बनेगा सर वेव कुछ इस तरीके का बनेगा मैं अगर मिनिमम वेव फॉर्म बनाना चाहता हूं तो क्या मिनिमम फॉर्म कुछ इस तरीके का बनेगा क्या आ, सर मिनिमम वेब फॉर्म को हम कहते हैं फर्स्ट हारमोनिक और फर्स्ट हारमोनिक का कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी वी बाई ट कैसे तो देखो इसका टोटल लेंथ एल और यहां से यहां तक वेव का लेंथ क्या हो जाएगा लेमडाइज इक्वल टू क्या गया टू क्या आ गया यहाँ पे टूएल्व और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी होता है वी बाई लेमडा लेमडा को रखेंगे फ्रीक्वेंसी आ गया वी बाई तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हारमोनी का वैल्यू होता है वी बाई ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हारमोनी का वैल्यू होता है वी बाई बताइए भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक का वैल्यू क्या होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट हार्मोनिक का वैल्यू होगा हार्मोनिक देखेंगे तो बस ना इसी का डबल इसी का डबल मतलब ऐसा दो वेव फॉर्म दो वेव फॉर्म तो यहां से फ्रीक्वेंसी जस्ट इसकी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी मतलब ध्यान से देखिएगा टू इंटू वी बाई ट इसको कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन इसको क्या कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन अगर मैं थर्ड हार्मोनिक की बात करूंगा तो थर्ड हार्मोनिक ये हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक अगर मैं थर्ड हार्मोनिक की बात करूंगा तो ये हो जाएगा क्या हाँ सर ये हो जाएगा इसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी फंडामेंटल का ट्रिपल ये हो जाएगा थ्री इंटू वी बाई ट्वेल्व थर्ड हारमोनिक्स मतलब सेकेंड ओवरटोन थर्ड हारमोनिक्स मतलब ओवरटोन अच्छा तुमसे कई बार ये भी पूछेगा अंकल आंटी का नंबर बताओ अंकल आंटी का नंबर बताओ बताओ फोर्थ हार्मोनिक में कितने अंकल कितने आंटी फोर्थ हारमोनिक में हारमोनिक में अंकल आंटी का नंबर बताओ अंकल आंटी का नंबर बताओ अंकल आंटी का नंबर बताओ फोर्थ हार्मोनिक में अंकल आंटी का नंबर बताओ सुनो फोर्थ हार्मोनिक मतलब चार गुना फंडामेंटल एक फंडामेंटल दो तीन चार ये आएगा तो कितने अंकल एक अंकल दो अंकल तीन अंकल चार अंकल पांच अंकल अंकल पांच आंटी एक दो तीन चार चार आंटी पांच अंकल चार आंटी बताओ हाँ है ना हाँ है ना अच्छा यहां पे किसी भी कंजर्गेटिव फ्रीवेंसी का फ्रीक्वेंसी का रेशियो देखोगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वी बाई टूल्व नेक्स्ट आया था टू वी बाई टूएल्व नेक्स्ट आया था थ्री वी बाई टूएल्व नेक्स्ट आया था फोर वी बाई टूएल्व तो क्या यहाँ पे कंजर्गेटिव फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होगा क्या वो सिंपल वन इस टू टू इस टू थ्री इस टू फोर इस टू फाइव होगा किसी भी दो कंजर्गेटिव फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा क्या वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा हाँ साहब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा दूसरी बात यहाँ पे वी क्या है वी है ऑफ ट्रांसवर्स वेव ट्रांसवर्स वेव कहीं तो स्टेशनरी वेव बन रहा तो जो वी की वैल्यू है क्या उसको मैं रूट अंडर टी वाई म्यू लिख सकता हूं हाँ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन बाई टी वाई म्यू क्लियर है क्या ये बात क्लियर है क्या ये बात बेटा आपको ये बात समझ में आ गया चलो तो ठीक है अब अगर आप ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें तो जिस तरीके से यहां आप फ्रीक्वेंसी वेरी किया था ओपन ऑर्गन पाइप में वैसे ही करता है कैसे देखो कुछ नहीं करूंगा यहां पे ओपन ऑर्गन पाइप बनाता हूं ओपन ऑर्गन पाइप में यहां पे आपका इस तरह का वेब फॉर्म बनेगा तो समझ में आया इसमें भी प्रेशर वेब और एम्पलीट्यूड वेब में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इतना समय नहीं है उस पर सवाल भी इतना डीप में नहीं आता इतना समझ लो ऐसा बनेगा तो ये एंटी नोट एंटी नोट के बीच में डिस्टेंस लेमडा बाई टू ही तो हो गया जो एल के बराबर है तो इसमें भी तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम आएगा सेकेंड हार्मोनिक का फॉर्मूला सेम आएगा थर्ड का फॉर्मूला सेम आएगा फर्क क्या होगा वेलोसिटी साउंड वेव की लिखेंगे ये ये आएगी वेलोसिटी क्या? गामा पी रो। देखो ये हो गया, एन वी बाई एल यहां पर वी की वैल्यू गामा पी बाई रो होगा मतलब ओपन ऑर्गन पाइप एंड सोनोमीटर वायर में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एकदम सेम आता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एकदम सेम आता है ठीक है बिल्कुल सेम है, बात है अब अगर मैं क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करूंगा तो याद रखना क्लोज ऑर्गन पाइप में फर्स्ट हारमोनी के बाद सीधा थर्ड हारमोनिक्स एग्जिस्ट करता है इसमें फॉर्मूला होता है बेटा 2N -1 v by 4L. <coughs> यहां पर यहां पर जो हारमोनिक्स है वो है तुम्हारा टू एन माइनस वन नंबर ऑफ हारमोनिक्स नंबर ऑफ हारमोनिक्स है बेटा टू एन माइनस वन और एन है नंबर ऑफ ओवरटोन नंबर ऑफ ओवरटोन इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वी बाई फोर एल उसके बाद सेकेंड हारमोनिक्स का फॉर्मूला होता है थ्री वी बाई फोर एल फिर <coughs> मतलब सेकेंड हारमोनिक्स होता, होता है उसके बाद फिक्स हारमोनिक का फॉर्मूला होता है फाइव वी बाई फोर एल फिर सेवेंथ हारमोनिक का फॉर्मूला होता है सेवन वी बाई फोर एल इसमें दो कंजर्गेटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस दो कंजर्गेटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बाई टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा क्या हाँ क्योंकि बीच वाला हारमोनिक्स यहाँ पे क्या है गायब है बीच वाला है रेजोनेंस ट्यूब है। तो <coughs> में, में, तो में डायरेक्ट इस पर सवाल पूछा एंड करेक्शन जो होता है E बराबर एल टू माइनस थ्री एल वन के बराबर होता है बीट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस याद रखिएगा बेटा कई बार एंड करेक्शन अगर एग्जाम में आ गया तो याद रखना एल टू माइनस थ्री एल वन बाई टू रट लो इसको रेजोनेस ट्यूब में पचास सेंटीमीटर तो तीन, तीन गुनाशन आएगा क्लियर है ये बात डॉपलर इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं एक बार डॉपलर इफेक्ट पढ़ लेते हैं फिर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा एक बार डॉपलर इफेक्ट हम पढ़ लेते हैं फिर मैं फिर मैं आपको सवाल करा दूंगा ठीक है चलिए तो डॉपलर इफेक्ट एक बार पढ़ लेते हैं डॉपलर इफेक्ट क्या होता है जब भी साउंड और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो जब भी साउंड और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो तो जो ऑब्जर्वर होता है वो जो फ्रीक्वेंसी सुनता है वो जो फ्रीक्वेंसी सुनता है वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होता है जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो है तो दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन जीरो है तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा जैसे जैसे ध्यान से देखो ये तुम्हारा सोर्स है

रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी होता है जो डॉपलर इफेक्ट का होना होता है वो सोर्स एंड ऑब्जर्वर के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है डॉपलर इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर और डॉप्लर इफेक्ट में वेवलेंथ तभी चेंज होता है वेवलेंथ तभी चेंज होता है जब ऑब्जर्वर इज मूविंग नहीं सोर्स इज मूविंग गलत लिखा है वेवलेंथ ओनली चेंज वेन सोर्स इज मूविंग अगर सोर्स रेस्ट पर है सोर्स अगर रेस्ट पर है तो वेबलैन चेंज नहीं होगा वेवलेंथ तभी चेंज होगा जब ऑब्जॉर्बर मूव कर रहा है जैसे सवाल पूछते हैं कि है कि मान लो सोर्स सोर्स तुम्हारा तुम्हारा रेस्ट रेस्ट में में है सवाल पूछा हुआ और यह ऑब्जॉर्वर वी वेलोसिटी से चल रहा है सोर्स की तरफ तो बताओ वेवलेंथ वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा तो वेवलेंथ कॉन्स्टेंट रहेगा ये जो वेवलेंथ ऑब्जॉर्व करेगा वो रियल वेवलेंथ के बराबर होगा जब सोर्स चलता है तभी वेवलेंथ चेंज होता है जब सोर्स चलता है तभी वेवलेंथ चेंज होता है क्या ये क्लियर बात है क्या ये क्लियर बात है अगर समझ आ गया तो हाँ लिख दीजिए ठीक है ये मैंने बताया हुआ है कैसे क्यों जब सोर्स चलता है तभी चेंज होगा अगर ऑब्जर्वर चल रहा है तो वेबलैन चेंज नहीं होगा अब दूसरी बात दूसरी बात देखो ये तुम्हारा है सोर्स और ये तुम्हारा है ऑब्जर्वर ठीक है सोर्स की वेलोसिटी मैं मानता हूं वी नॉट और ये साउंड इमिट कर रहा है एफ नॉट और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी मैं मानता हूं सॉरी सोर्स की वेलोसिटी और, और की वेलोसिटी ये F का सुना। अब ध्यान से सुनना। एक, इस, इस F F एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ऊपर किसकी वेलोसिटी आएगी तो देखो हमेशा सुनने वाला बड़ा होता है और बोलने वाला छोटा होता है जैसे तुम 12 घंटे 17 घंटे से सुन रहे हो लगातार होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे लगातार पढ़ रहे होंगे जो लगातार पढ़ रहे हैं बच्चे भाई साहब वो तो बड़े काबिल हैं यार इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो भाई साहब कतई जहर बच्चे हैं यार हाँ बच्चे तो जोरदार हैं अब ध्यान सुनो अगर बच्चे जोरदार हैं तो इनकी वेलोसिटी ऊपर रखी जाएगी तो सुनने वाला ऊपर होता है सुनाने वाला नीचे होता है अब जोरदार तरीके से फॉर्मूला बता दो देख एफ डैश बराबर एफ ओ वी स्पीड ऑफ साउंड है वी ओ ऑब्जर्वर की स्पीड ऑफ साउंड है बी एस ये रट लो और ये हर तरह के मोशन में लगेगा चाहे ऑब्जेक्ट जैसे चल रहा है जहां चल रहा है जिसकी तरफ चल रहा है ये हमेशा वैलिड होगा बहुत सारे बच्चे को याद होगा ये। बताओ डॉपलर इफेक्ट में एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा

और जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घटाने की कोशिश करेगा क्लियर है ये बात जब भी जब भी भी सोर्स सोर्स और ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर एक एक दूसरे दूसरे की की तरफ तरफ जाएगा जाएगा एंड तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा और जब भी सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घटाएगा अब सुनो ये है रामलाल बनाइए रामलाल रामलाल कुछ सुनाना चाहता है पिंकी लेकिन पिंकी सुनना ही नहीं चाहती दूर भाग रही है देखो लाल सुनाना चाहता है पिंकी को इसके पीछे भाग रहा लेकिन पिंकी सुनना ही नहीं चाहती बताओ यहाँ पे अप्रेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा एफ डैश बराबर एफ ओ वी वी ओ बटा वी बी एस अब सुनो ये सोर्स इसकी तरफ भाग रहा है सोर्स का इंटेंशन क्या है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का लेकिन सोर्स नीचे होता है डिनोमिनेटर में जब माइनस करेंगे तभी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी हाँ और देखो ये दूर भाग रही है ये सुनना ही नहीं चाहती तो ये फ्रीक्वेंसी घटाना चाह रही है ऊपर में फ्रीक्वेंसी कैसे घटेगा माइनस करके कि प्लस करके माइनस करके ये आएगा अगर ये समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो एक बार अगर ये समझ समझ में आया तो एक बार आग लगा दो भैया कमेंट बॉक्स में नहीं घर में आग लगा दो मोहल्ले में आग लगा दो हर जगह आग आग फैला दो कोई पूछेगा क्या हुआ एम आर साहब ने बोला था आग लगाने के लिए गैस चूल्हा ऑन करके उसमें सलाई बार दो मतलब लाइटर जला दो ऑन करके लाइटर जला दो घर जला दो कपड़े जला दो समझ आया कि नहीं समझ आया तो ठीक है अब रामलाल भी तो बेटा ऐसा है कि एटीट्यूड वाला है सुनाते सुनाते थक गया रामलाल बोला कि छोड़ो यार नहीं सुनती कोई बात नहीं मैं नहीं सुनाऊ तो अब ये सोर्स पीछे जा रहा वी एस स्पीड से एफ नॉट का फ्रीकवेंसी काउंडमीट कर अब पिंकी भी बोले कि मत सुना मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं तो नहीं सुनूंगी ये दूर जा रही अब ये जो फ्रीक्वेंसी सुनी क्या सुन हर फॉर्मेट यही लगाओ एफ डैश बराबर एफ ओ सॉरी 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 वी vo बटा वी वी एस हाया ना हाँ सर ये तो एकदम चमक गया अब ध्यान से सुनो अब ध्यान से सुनो क्या होगा तो ऐसा है कि ये सुनाना नहीं चाहता फ्रीक्वेंसी घटाएगा नीचे क्या करो कि फ्रीक्वेंसी घटे बी एस में प्लस करो सर और ये दूर जा रहा ये भी नहीं सुनना चाह रहा नहीं सुनना चाह रही फ्रीक्वेंसी घटाएगा कैसे घटेगा माइनस करके बोलो समझ में आया कि नहीं आया ओ भाई साहब कितना सही समझाया रे लेकिन एक दिन पिंकी को रियलाइज हुआ कि अरे यार रामलाल तो बड़ा अमीर आदमी है युगांडा का प्रिंस है उसको इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है पिंकी भाग क्या इसके पीछे सुन लो ना रामलाल ये अपने एटीट्यूड में भागा जा रहा बताओ इस केस में प्रेम फ्रीक्वेंसी क्या होगा इफ नॉट वी वी ओ बट आस अब बोलो रामलाल एटीट्यूड में बोला कि मैं नहीं सुनाऊंगा जब सुना रहा था तो तुम भाव नहीं दे रही थी बोला नहीं नहीं कहो ना क्या कह रहे थे ये देखो वी नॉट अब बताओ ये क्या चाह रही सर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना अब वीओ ऊपर होता है कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा प्लस करके ये क्या चाह रहा दूर भाग रहा फ्रिक्वेंसी घटाना कैसे घटेगा माइनस करके बोलो समझ में आएगी नहीं है लेकिन रामलाल भी कब तक इग्नोर करेगा पिंकी मन भी तो प्यार था ही पहले से तो रामलाल ही बोलेगा कि चलो कोई बात नहीं सुना देता हूं रामलाल बोलेगा कोई बात नहीं सुना देता हूं बोलेगी पिंकी हां सुनाओ ना मैं तो सुनना चाहती हूं एफ नॉट ये एफ डैस एफ डैस बराबर If not, v -V -O v -V -S होगा कि नहीं होगा सर जोरदार होगा मजेदार होगा अब देखो क्या लिखोगे ये सुनना चाह रहा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा वी एस नीचे होता है कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा में माइनस करके ये सुनना चाह रही फ्रीक्वेंसी बढ़ाई कैसे प्लस करके क्या ये सारे केस आपको समझ में आ गए एकदम धुआंधार तरीके से सारे केस आपको एकदम धुआंधार तरीके से समझ में आ गए तो सिर्फ आप हा हा लिख दीजिए सारे केस एकदम धुआंधार तरीके से समझ में आ गए तो सिर्फ हां लिख दीजिए बेटा बताइए भाई साहब सारे केस एकदम धुआंधार तरीके से समझ में आ गया तो सिर्फ हां लिखे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अच्छा इसमें से कई सारे ऐसे केस होते हैं कि मान लो कि

बटा वी वी एस अब ये वीएस का वो कंपोनेंट आएगा जो इसके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग है मतलब फ्रिक्वेंसी तभी बढ़ाएगा ना जब डिनोटर माइनस करेंगे ये आएगा रिलेशन ए आईपीएम टी दो हजार पंद्रह का सवाल है ए आई पी एम टी दो हजार पंद्रह का सवाल है देखो ए आईपीएमटी दो हजार पंद्रह का सवाल है देखो क्लियर है क्या क्लियर रहेगा भाई रहेगा एकदम चलो अब ये है जेई मेन 2020 का सवाल एक बार इसको करके दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा इसको करके दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा जेई मेन 2020 का सवाल है ये बढ़िया सवाल शानदार जोरदार जबरदस्त करो मजा आ जाएगा अगर तुम पढ़ के इसको डिकोड कर पाए और कर पाए तो थर्ड चेक सेकेंड मिस्टेक ओके okay? चेक कर लेंगे अपन मिस्टेक हुआ तो चेक कर लेंगे कौन सा मिस्टेक हुआ बता मैं देख लेता हूं फटाफट सेकेंड कह रहे हैं। ये केस <coughs> ये फ्रीक्वेंसी कम और ये भी कम माइनस प्लस सही है ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी तो बढ़ेगा तब जब प्लस होगा ये दूर जा रहा तो वीएस क्या हो रहा दूर जा रहा तो ये फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा वीएस कम करेगा तो कम तभी होगा ना जब डिनोमिनेटर में प्लस करोगे और ये बढ़ाएगा प्लस, प्लस आएगा अच्छा ये सही है प्लस आएगा यहां पे ठीक है भाई प्लस आएगा यहां पे सॉरी क्लियर है और देख लेता हूं और देख लेता हूं इसमें क्या होगा दोनों फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं प्लस माइनस ये तो सही है क्लियर है, है क्या बेटा अच्छे से क्लियर है क्या क्लियर है क्या चलिए ये करके दिखाइए ये करके दिखाइए सवाल पढ़िए अच्छे से सवाल पढ़िए अच्छे से जेई मेन दो का सवाल है सवाल बड़ी अच्छे से समझ आएगा सवाल बड़ी अच्छे से अ सोर्स एस इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक विथ स्पीड वी विथ स्पीड वी एंड अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी वी नॉट ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट अ फाइनाइट डिस्टेंस एट द पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्रैक द टाइम वेरिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी हार्ड बाई द ऑब्जर्वर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेटेड बाई बताओ साउंड सोर्स इज मूविंग अलॉंग ए स्ट्रेट ट्रैक विध स्पीड वी एंड दिंग साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ नॉट सी फिगर फिगर है भाई द फिगर नहीं दिया कोई बात नहीं मैं फिगर यहां बना देता हूं ये यह ऑब्जर्वर यहां पे रेस्ट में है और ये सोर्स भी एस स्पीड से चल रहा है इस लाइन पे इसको क्रॉस करके आगे जाएगा तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ कैसा होगा बताइए कौन सा आंसर होगा तो आप वेराइटी ऑफ आंसर बता सकते हैं लेकिन वास्तविकता में आपका फर्स्ट भी गलत है थर्ड भी गलत है सेकेंड भी गलत है फोर्थ आंसर होगा क्योंकि जब ये सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ चल रहा है तो बढ़ा हुआ फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा इसको एफ डेस बराबर एफ नॉट भी तो है नहीं पास ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वी माइनस एक्सप्रेशन और इस बात परिपेंड ही नहीं कर रहा सोर्स कितना दूर है इस बात तो डिपेंड ही तो नहीं कर रहा यह ऐसा डायग्राम है कि ऑब्जर्वर यहां पर रेस्ट में और सोर्स इस लाइन पे चल रहा है तो भाई मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि डॉपलर इफेक्ट रिलेटिविटी पर डिपेंड करता है डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता डॉपलर इफेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड करता है डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता तो यहां पे पहले बढ़ा हुआ फ्रीक्वेंसी सुनेगा जब इसको क्रॉस करके सोर्स इधर चला जाएगा तो घटा हुआ फ्रिक्वेंसी सुनेगा भाई हाँ, चौथा आंसर आएगा और क्लास में भी मैं ये पढ़ाया हुआ हूं ये सारे केस तो मैंने बता दिया सारे केस बता दिया चलो यहां पर कितना है भाई 186 ओके और अभी कहां पे हम लोग अरे भाई मैक्सिमम मैक्सिमम बीस पेज तो है फटाफट करके खत्म करते हैं चलो मैक्सिमम मैक्सिमम बीस है फटाफट सवाल करते हैं बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोथ लाइट एंड साउंड वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम नहीं लाइट एंड साउंड वेव ट्रेवल इन एयर एंड ट्रांसवर्स नहीं साउंड वेव इन एयर एंड लॉन्गिट्यूडनल वाइल लाइट वेव आर ट्रांसवर्स ये सही होगा देखो साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वाइल द लाइट वेव आर ट्रांसवर्स यही तो सही है बहुत लाइट एंड साउंड आर लॉन्गिट्यूड नहीं गलत है थर्ड आंसर होगा क्या जल्दी बता दो क्या थर्ड आंसर होगा ओके नेक्स्ट देखो ट्रांसवर्स वेव रिप्रेजेंटेड बाई पार्टिकल वेलोसिटी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या पूछा है और वॉट वैल्यू ऑफ द वेबलिंथ सुनो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलॉसिटी ए वेव होती है क्या पार्टिकल की मैक्सिमम वेलॉसिटी के वेलोसिटी ऑफ़ वेव होता है क्या नहीं पता कोई बात नहीं पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी वेलोसिटी होता होता है बेटा और, आ, होता है बेटा बेटा ओमेगा 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 और वेव की के के पे कट जाएगा ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा ए वेव इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मतलब ये इसके बराबर आ जाएगा। को लिख सकते हो टू पाई बाई लेमडा टू पाई बाई लेमडाजू वन तो आंसर चौथा तीसरा कौन जवाब दे रहा है आंसर चलो नेक्स्ट देखो ये मेन 2022 का सवाल है बहुत आसान है कर लोगे देखो लॉन्गिट्यूडनल वेब रिप्रेजेंटेड बाई दिस इक्वेशन द मैक्सिमम पार्टिकल वेलॉसिटी विल बी फोर टाइम्स ऑफ द वेब वेलॉसिटी वही सवाल हो गया

ए पाई बाई टू ए भी तो आएगा भाई अच्छा 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 ए की वैल्यू दस रख दो एक ए की वैल्यू दस दिया हुआ है ना तो दस पाई बाई टू मतलब फाइव पाई आई आर सेकेंड सेकेंड आएगा क्या सेकेंड आएगा क्या हाँ करो जवाब दे दो सेकेंड आएगा क्या एक ए की वैल्यू यहां पे दस नहीं दिया हुआ है एक ए की वैल्यू दस है कि नहीं बताओ

अरे यार स्पीड ऑफ द साउंड वेव ही नहीं है रेस ये तुमको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी और यहां से ये तुम्हारा थ्री टाइम्स लेंथ पर जाके हो रहा है तो पहला जो वेवलेंथ आया था लेमडा बाई टू पे आएगा तो लेमडाई टू की वैल्यू तुम लिख सकते हो नाइन पॉइंट सेवन हो जाएगा नाइन पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई एट हंड्रेड डबल जीरो से ये पॉइंट कट जाएगा आठ दो सोलह सिक्सटीन मल्टीप्लाई नौ सौ पचहत्तर अच्छा सेंटीमीटर है सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो नाइन पॉइंट सेवन फाइव सोलह मल्टीप्लाई नाइन पॉइंट सेवन फाइव कर दो सोलह मल्टीप्लाई नाइन पॉइंट सेवन फाइव क्या आंसर आएगा एक बार करके देखते हैं मल्टीप्लाई नाइन पॉइंट सेवन फाइव एक सौ छप्पन एक सौ छप्पन मीटर पर सेकेंड सेकेंड आंसर आएगा कितने लोगों को ये समझ आया भैया कितने लोगों को ये बात फील आया मैंने कैसे कर लिया मैंने इसकी यूज नहीं किया इसका यूज नहीं किया कैसे कर लिया बताओ तो देखो क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है कि पहला रेजोनेंस जो आता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे आता है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में यहां से यहां तक अरे नहीं नहीं, 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 नहीं। एक मिनट ये तो लेमडा बाई फोर होता है यार एक सौ छप्पन का डबल होगा ये मिनट यार रुको वाटर सरफेस सक्सेसिव रेजोनेंस आर ऑब्जॉर्व एट 9.75 फिर 31.25 नौ टू सत्ताईस तीन गुना होगा ये तो मिनट फोर टाइम्स हो जाएगा ये लेमडा बाई फोर पे आता है ना आंसर आ जाएगा और थर्ड में ये थोड़ा बहुत लेमडा थोड़ा अलग अलग डिफरेंस हो रहा है तो उससे ये चेंज होके देखो क्या कह रहा है कि ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी इतनी है चलो इतनी है रेजोनेंस इधर रेजोनेंस कॉलम ट्यूब अपर एंड अपर एंड ओपन एंड द लोअर एंड क्लोज बाई दॉटर सर्फेसिव रेजुनेंसर्वना है देखो यहां पे क्या हो रहा है कि पहला रेजोनेंस कंडीशन जो आ रहा है एट लेंथ इतना, 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 इतना है तो यह जो लेंथ है ना यह ले जाएगा क्या ठीक है अब रेजुनेंस फ्रीकवेंसी मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी बराबर होता है वी बराबर होता है लेमडा इंटू एफ वेलॉस्टी ऑफ वेव पूछा है तो लेमडा आपका हो जाएगा फोर इंटू लेंथ इंटू फ्रीक्वेंस अब इसके आसपास जो आंसर आएगा वो निकाल लो और इसके आसपास आंसर तीन सौ चौवालीस आएगा एक सौ छप्पन नहीं आएगा अब यहां पे एग्जैक्ट तुम्हें यहां पे इसकी इसकी कंडीशन देखने की इतनी जरूरत नहीं है तुम एक बात बताओ ये नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है क्या लेमडा वाई फोर होता है

टू टाइम ऑफ लेंथ ऑफ ओपन बराबर थ्री इन टू फोर मल्टीप्लाई ट्वेंटी टू से फोर को काटोगे टू थ्री से नहीं काटेगा ये. तो ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्टी बाई थ्री तो बारह छत्तीस बारह पॉइंट पांच तो बारह पॉइंट पांच आपका आएगा क्या बहुत आसान है बहुत आसान है क्लियर किया मैंने क्या देखो फंडामेंटल का हो जाएगा वी वाई टूल नॉट फंडामेंटल का हो जाएगा वी वाई टूवेल्व नॉट यह हो जाएगा थ्री वी वाई फोर एल सी क्लियर है क्या बेटा जल्दी जल्दी बता दो एक मिनट अरे भारतीय छत्तीस और पांच और दूसरा है तेरह पॉइंट दो यार तेरह पॉइंट दो ही होगा ना घनघोर बायोलॉजी कोई बात नहीं तेरा पॉइंट दो होगा क्लियर है क्या उसी तरीके का नीट दो हजार सत्रह में सवाल पूछा द टू नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ अ ट्यूब क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड इज इतना देन इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या बताया था दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 260 सो साठ माइनस दो क्या आएगा 40 बटा दो मतलब 20 हर्ट देखो अगर ओपन ऑर्गन पाइप है अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है वो फंडामेंटल के बराबर होता है लेकिन अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है तो जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है उसका आधा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल उसका आधा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल ये उसी तरह का सवाल है ये कर लोगे भाई एक तरह का सवाल कितने करा ये भी कर लोगे सेम उसी तरह का सवाल है कोई खास बात नहीं है नीट दो हजार तेरह सेम उसी तरह का सवाल है ये क्या है नीर दो हजार सत्रह अपोजिट डायरेक्शन अप्रोचेज इच अदर विथ स्पीड अब ये देखो टू कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन अप्रोचेज इच अदर विध स्पीड ऑफ बाइस एंड सोलह पॉइंट पांच मीटर ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोज हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाई द ड्राइवर ऑफ द सेकेंड कार विल बी कार जो ड्राइवर फ्रीक्वेंसी सुनेगा रियल फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा चार सौ स्पीड ऑफ द साउंड है 340, बटा 340. अब हॉर्न किसने बजाया द द द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट कार हॉर्न मतलब पहला कार तुम्हारा सोर्स हो गया मतलब ये वी वन और दूसरे कार की वेलोसिटी वी टू अब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है तो दोनों फ्रीक्वेंसी भराएगा दोनों फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाएगा ऊपर में प्लस नीचे माइनस तो ये आपका आ जाएगा चार सौ तीन सौ चालीस प्लस वी टू वी टू है सोलह पॉइंट पांच तो 340 प्लस 16.5 तो 356.5 बटा 340 में से वी वन घटाओगे 22 घटाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हें तोरा 340 में से 22 घटाओगे 318 अब ये जब तुम सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस सी बात है देखो डॉपलेट इफेक्ट के तो सवाल थोड़े बुद्धि से भी होते हैं जब तुम सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए अब ये चार है तो तीन तो होगा नहीं और चार है तो तीन तो होगा नहीं अब यहाँ पे 400 है या तो चार सौ तो ग्यारह होगा या चार सौ अड़तालीस होगा अब यहां पर ध्यान से देखो ये तीन सौ छप्पन तीन सौ अठारह तो ये वन पॉइंट समथिंग नहीं आएगा क्या हा? तो थोड़ी सी तो बढ़ेगी दूसरा आंसर आना चाहिए ये फोर फोर एट तो तब आएगा जब ये डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होता क्या कहते हो सी आएगा। नहीं, 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 नहीं। तीन सौ छप्पन पॉइंट पांच बटा तीन सौ अठारह बताओ तीन डिवाइडेड बाई तीन सौ अठारह तीन सौ अठारह वन पॉइंट वन टू वन पॉइंट वन टू को मल्टीप्लाई कर दो चार सौ से हाँ यार फोर पॉइंट फोर एट आ रहा है हाँ भाई मतलब एग्जैक्ट वन से थोड़ा ज्यादा आ गया ना वन पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है वन टू आ रहा है हाँ आट आएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत, बहुत, बहुत जोरदार चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो ये करो टैन मूव सॉरी ट्रेन मूविंग विद स्पीड इतना मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना बैक टू द ट्रेन एज अ इको ईको फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको एज डिटेक्टेड बाय द ड्राइवर ऑफ बढ़िया सवाल है ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और यहां से कार जा रहा जिसने एफ नॉट की साउंड इमिट की और यही एब्जॉर्व करेगा कौन से साउंड जो इससे रिफ्लेक्ट होके आएगा इस तरह के जब सवाल होते हैं इसको तो सुनो ध्यान से इस सोर्स का यहां पे एक इमेजनरी सोर्स बना जितने स्पीड से ये चल रहा वी से वी नॉट से उतने स्पीड से ये वी नॉट से आगे चलेगा और इससे फ्रीक्वेंसी एफ नॉट आता हुआ तुम इसको सुना दो तो एफ डैश बराबर होगा एफ भी, भी वी ओ बटा वी वी ओ क्योंकि जितनी स्पीड से ये इधर आएगा उतनी स्पीड से ये जाएगा तो ठीक है अब सुनो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो क्या ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये प्लस ये माइनस कर दो

इसमें ऐसे ही करते हैं देखो सुनो क्या है ये ड्राइवर है ये इसने हॉर्न बजाया और खुद ही सुन रहा है खुद ही तो सेम ही सुनेगा हां जो यहां से डायरेक्ट पहुंचेगा लेकिन एक साउंड यहां गया रिफ्लेक्ट हो आया ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है ना इससे आता हुआ मान लो बस ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है ना तुम इससे आता हुआ मान लो बस क्लियर है क्या सही है बेटा ट्रांसर्स वेव इन पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन डरेक्शन पर पेंडिक्यूर डरेक्शन नोर भाई सब जानता है चलो भाई ये क्या हैेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी इसको कर लो चलो एक बार वाइब्रेटिंग टूनिंग एंड वेव ऑफ इक्वेशन इतना पाँच सौ पाई टी है जीरो हो जाएगा ये तो फोर साइन फाइव हंड्रेड पाई टी और ये क्या है टू साइन फाइव हंड्रेड पाई टी कुछ तो डिफरेंस करो यार ये तो बीट फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा चलो 508 सौ आठ पाई टी कर लेते हैं ठीक है वाई वन है फोर साइन फाइव हंड्रेड पाई टी और वो है टू साइन 505 सौ फाइव पाई टी तो नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर मिनट अब करो सुनो ध्यान से ये इसका ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू होता है टू पाई एफ ओमेगा सॉरी पांच सौ पाई इज इक्वल टू टू पाई एफ तो पाई से पाई कटेगा एफ हो जाएगा बेटा दो सौ पचास यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी जो आपका आएगा वो आएगा चार पर सेकेंड और ये पर मिनट पूछा है तो दो सौ चालीस आएगा आंसर आंसर क्या आ जाएगा दो सौ चालीस फटाफट कमेंट करके बता दो सही लिख रहा हूं क्या फटाफट कमेंट करके बता दो सही लिख रहा हूँ क्या फटाफट कमेंट करके बता दो सही लिख रहा हूँ क्या भाई भाई फटा फटाफट कमेंट करके बता दो सही लिख रहा हूँ क्या ये एक इंटरफेंस का सवाल है बहुत फेमस है ये होमवर्क देता हूँ कर लेना चलो भाई फटाफट ये सवाल एक कर लो लास्ट ये सवाल कर लो एक लास्ट चार बीट है बिल्कुल सही चार बीट है अब पर सही है ना चार बीट अब पर मिनट पूछा है तो छे चौगा चौबीस हो जाएगा दो सौ चालीस हो जाएगा सही है क्या सौ छो 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 पाइटी है उधर पांच सौ आठ है मैंने कर दिया पांच सौ आठ तो पांच सौ आठ है खत्म कहा पांच सौ छह नहीं है पांच सौ छ चलो ये नीट दो हजार 2013 का सवाल है इसको करते हैं आओ। नीट 2013 का सवाल है ध्यान से देखो अ सोर्स ऑफ अनोन फ्रीक्वेंसी गिव फोर बीट पर सेकेंड एक सोर्स है जिसका अनोन फ्रीक्वेंसी है मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं पता ये चार बीट दे रहा है व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी 250 मतलब दूसरा फ्रीक्वेंसी 250 सौ मुझे पता है उसके साथ ये चार बीट दिया तो इसमें बेटा हमेशा सोचो ये जो अननोन है क्या उसकी फ्रीक्वेंसी दो पॉसिबल आ जाएगी चार का डिफरेंस देने के लिए ये या तो दो होगा नहीं तो दो होगा तो यही दोनों में से एक आंसर आएगा तो दो सौ आंसर आएगा ये दोनों तो गलत हो गया ठीक तो है उसके बाद क्या कह रहा है द सेकेंड हारमोनिक्स ऑफ द सोर्स ऑफ अनोन फ्रीक्वेंसी अब सेकेंड हारमोनिक्स मतलब इसकी सेकेंड हारमोनिक्स कितनी हो जाएगी दो का डबल बोलो दो का डबल हो जाएगा तुम्हारा तीन सौ बानवे और दो सौ चौवन का डबल हो जाएगा सॉरी चार सौ बानवे ना तीन दो ना छः पाँच सौ बानवे एक मिनट ये कितना होगा बताओ दो सौ चौवन का डबल कितना हो जाएगा दो सौ चौवन का डबल हो जाएगा पाँच सौ आठ सही है और दो सौ छियालीस का डबल हो जाएगा चार सौ बानवे चलो ठीक है या आ जाएगा अब ये क्या बोल रहा सेकेंड हार्मोनिक्स ऑफ द सोर्स ऑफ अनोन फ्रीक्वेंसी, जो अनोन है उसकी दो पॉसिबिलिटी इसका सेकेंड हार्मोनिक्स की डबल फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसीट पर से साउंडेड विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ पांच सौ तेरह अब 513 सौ तेरह हट से जब मैंने इसको दोनों को बजाया तो कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहा है गिब्स फाइव बीट पर सेकेंड पांच फ्रीक्वेंसी दे रहा है अब इन दोनों में पांच का डिफरेंस किससे आएगा पांच सौ आठ से आएगा इसका ही फ्रीक्वेंसी तुम्हारा पांच आएगा मतलब होना चाहिए। इससे तो ज्यादा आ रहा तो है, है, तो तो ये 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 होना होना चाहिए। चाहिए। अगर करेक्ट आंसर क्या ये आपको समझ आता है क्या आपको समझ आता है इसमें एक चीज और याद रखिएगा। ट्यूनिंग फॉक मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ है। अगर इसको शार्प करोगे तो शार्प करने से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है अगर इस पर वैक्स डाल दोगे तो वैक्स डालने से इसकी फ्रीक्वेंसी घटती है ये दो चीजें आप हमेशा याद रखें ये दो चीजें हमेशा आप क्या रखेंगे याद रखेंगे द स्ट्रेच स्ट्रिंग एम्स 2016 का सवाल है स्ट्रिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम वेब फॉर्म के कोरोस्पॉ आएगा एफ इज इक्वल टू आ जाएगा v बाई टू एल फ्रीक्वेंसी उसने दिया बी सर्ट तो इसको लिख दो बी सर्ट्स बराबर वन अपॉन टू इंटू लेंथ और वेलोसिटी की वैल्यू रख दो t by mu. ये हो गया तुम्हारा t और म्यू की वैल्यू निकाल लो अच्छे से यूनिट में ढंग से टी बाई म्यू म्यू है mass length. लेकिन यहां पे जो म्यू निकालोगे तो मास पर यूनिट लेंथ ये ग्राम को तुम करो पहले के में तो फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस 10 2. मतलब ये कटेगा तो नीचेगा दस म्यूल टू वन अपॉइट टू एल रूट अंडर टी की वैल्यू तो बीस तो और ये होगा फाइव बाई टेन तो ऊपर चला जाएगा आपका पांच से कटेगा तो ये तार चालीस आ गया ठीक है तो लेंथ को ले 20 को ले जाओ तो लो बराबर आ आ गया 1 upon 20, root upon 40 आ रहा क्या और सेंटीमीटर का दस हो जाएगा सही है कैलकुलेट द मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रूट फोर्टी बटा ट्वेंटी आ रहा एक मिनट स्ट्रिंग विथ टेंशन 20 न्यूटन एंड मास यूनिट पर यूनिट लेंथ इज 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो टेंशन तो तुम्हें तो 20 न्यूटन दे दिया और आ, म्यू दे दिया है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर ठीक है विथ फ्रीक्वेंसी इतना देन कैलकुलेट मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो बस लेंथ यहां से पूछ रहा है यहां से लेंथ पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका वी इज इक्वल टू रूट अंडर टी बाई तो वी की वैल्यू अभी निकाल लो ई e हो गया तुम्हारा बीस बटा व्यू हो जाएगा तुम्हारा पांच इन टू ग्राम है टेन टू दावर माइनस थ्री के जी और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा टेन टू दावर माइनस टू तो टेन टू दावर माइनस वन ही तो आएगा तो ये चार तो वी बराबर आ गया रूट अंडर चाली तो ये हो गया आठ पचे चालीस और ये चालीस को लिख सकते हो तुम दस गुना चार मतलब टू रूट टेन ठीक है भाई वेलोसिटी आ गया वी बराबर हो जाएगा आपका सॉरी एफ बराबर हो जाएगा वी बाई टू एल वी है ट्वेंटी सॉरी एफ है ट्वेंटी वी है आपका टू रूट टेन बटा टू एल टू से टू कटेगा एल यहां चला गया एल बराबर आ रहा रूट टेन बाई ट्वेंटी यूनिट तो गड़बड़ नहीं किया मैंने नहीं अच्छा वो पूछा सेंटीमीटर वो वो पूछा सेंटीमीटर में तो इसको सौ से मल्टीप्लाई कर दो जीरो से जीरो कटेगा ये आ गया तुम्हारा पांच ये आ गया पाँच और रूट टेन हो जाएगा तुम्हारा थ्री पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई पांच पंद्रह सेंटीमीटर के आसपास चौथा तो सही है भाई <laughs> थ्री पॉइंट वन फोर आएगा मल्टीप्लाई फाइव तो यह आ जाएगा तुम्हारा पंद्रह पॉइंट आठ के आसपास 几个、okay.